हिस्से को आपने पूरा किया, इसके लिए आपको बधाई। बाकी के तीन हिस्से आपके सामने आप देख रहे हैं। छठा वाला है तरंगित बालू का मैदान। मैं आपको बता दूं, तरंगित बालू का मैदान और अगला हिस्सा है बालू के टीले, ये दोनों हिस्से जो हैं आपके, ये हिस्से बनाए जाते हैं। ये देख रहे हैं, इधर आपका राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है पूरा। प्रीवियसली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं राजस्थान कहाँ आता है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो राजस्थान की तरफ से जो हवाएं हरियाणा में प्रवेश करती हैं वो कहलाती हैं साउथ वेस्ट हवाएं, यानी कि दक्षिण पश्चिम हवाएं। तो दक्षिण पश्चिम हवाएं जो हैं वो राजस्थान की तरफ से रेत को लाती हैं और राजस्थान से लगने वाले ज़िलों में आपका जो है डाल देती हैं, ठीक है। तो तरंगित बालू मैदान का मतलब क्या होता है, ऐसा टिब्बे वाले एरिया को, इस तरीके से ऐसा एरिया होता है जिसको टिब्बा कहते हैं, या जहाँ पर आपका आमतौर पर फवारा खेती की जाती है, ठीक है। तो तरंगित बालू का मैदान या बालू के टीले, दोनों का निर्माण दक्षिण पश्चिम राजस्थान से चलने वाली हवाएं जो हैं वो करती हैं। देख रहे हैं तरंगित बालू का मैदान कहाँ कहाँ है, हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, चरखी दादरी, आप ध्यान से नोट करें। बालू के टीले, साहब पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि बालू के टीलों की औसत ऊँचाई कितनी है, तो 3 से 6 मीटर की ऊँचाई होती है, एक बात। दूसरी बात, दो रेत के टीलों के बीच में आप देख रहे हैं खाली जगह है, यहाँ भी यहाँ भी, तो इस खाली जगह को ताल कहा जाता है। पूछा गया था आपसे, शायद पटवारी वाले पेपर में था, मुझे ध्यान नहीं इतना। तो दो टीलों के बीच में जो खाली जगह है उसको ताल कहा जाता है, और इसी खाली जगह पर बारिश होने की वजह से आपका क्या होता है, कभी कभी पानी भर जाता है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है, ताल के अंदर पानी भर जाएगा, तो उसको ठूट कह देते हैं, ठूट या बावड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 7 हिस्से, 8वां बहुत आसान है, अनकाय दलदल क्षेत्र। ये देखिए सिरसा है, सिरसा का ये वाला जो हिस्सा है ये हरियाणा का सबसे निचला भूभाग है। मैंने बताया भी था आपको 200 मीटर से कम गहरा है, मतलब सबसे निचला भाग है ये, करीब करीब 190 मीटर गहरा है, मतलब गहरा तो क्या है, निचाई है इसकी। तो यहाँ पर घग्गर, मैंने आपको बताया था एक नदी आती है प्यारी सी, घग्गर नदी, ऐसे इस तरीके से यूं ऐसे घग्गर पहना बहना प्यारी आती है। तो घग्गर नदी सिरसा के दक्षिण हिस्से को के नीचा है, तो पानी भर जाता है तो दलदल बन जाती है, ठीक है। तो बाढ़ वाले मैदान में भी हमने देखा था कि घग्गर नदी जिस बाढ़ के मैदान को बनाती है उसको क्या कहते हैं, नली। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा का सबसे निचला भाग कौन सा है, दलदली भाग कौन सा है, तो सारों में आपका आंसर यही आएगा, अनकाई दलदल क्षेत्र। एक और याद रखिएगा, दलदल से हमेशा मीथेन गैस निकलती है, मीथेन, CH4, नोट करेंगे, पेपर में आया था ये अभी। तो ये 7 हिस्से, 8 हिस्से आपके पूरे हो जाते हैं हरियाणा की ज्योग्राफी के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आप नोट करते रहें जानकारियाँ आपके लिए, और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के रिवर्स पे, रिवर्स जानेंगे हरियाणा में कहाँ कहाँ से कौन कौन से रिवर निकलती हैं। उसके तुरंत बाद हम करेंगे डैम्स, लेक्स, ठीक है। तो चिंता मत करिएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और हरियाणा पुलिस का आपका पेपर से पहले पहले ये सारा सिलेबस मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। कोशिश रहेगी कि मेरी मैं ग्रुप डी से पहले ही कर दूं, बट अगर नहीं हो पाया तो हरियाणा पुलिस से तो पहले मैं इसको कर ही दूंगा ख़त्म। साइंस की क्लासेस भी मैं लेके आ रहा हूँ, साइंस, जनरल साइंस जो अब है, अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है, HSSC बहुत बार पूछती है। तो आप सब बने साथ बने रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई भी अगर मैं नई वीडियो डालता हूँ तो आप तक पहुँचती नहीं है, तो आपने सब्सक्राइब के साथ में वहाँ घंटी बजी होगी, घंटी को भी आप दबा दें, वो आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की जानकारी देती रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचाएँ, क्योंकि अच्छी चीज़ हर बंदे व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए। आप तक पहुँची है तो औरों तक भी पहुँचनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और साथ जानकारी इकट्ठे करते रहिएगा। नमस्कार।